नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद दिव्यापुर की महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज की है, जहां पर भारतीय संविधान में भले ही आज जाति व्यवस्था खत्म हो गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी जाति व्यवस्था चरम सीमा पर चढ़कर बोलती है। योगी राज में जाति व्यवस्था चरम सीमा पर देखने को मिल रही है। इसका कुछ नज़ारा विद्यालय के शिक्षक अनुज चतुर्वेदी के द्वारा देखने को मिला, जिनके द्वारा कहा गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हें फ्री में शिक्षा नहीं दे सकता। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी समुदाय के छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय में किया जाता सौतेला और जाति सूचक अभद्र भाषा का प्रयोग। कहा जाता है कि तुम गरीब हो, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम्हें तो खेती ही करनी है, और प्रयोगात्मक परीक्षाओं में विचाति के नाम पर शोषण करते इसी के आधार पर उन्हें कम मार्क्स दिए जाते हैं। इसी कारण से छात्रों ने स्कूल आना जाना भी बंद कर दिया। वहां के अध्यापक अनुज चतुर्वेदी ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, SC OBC माइनॉरिटी के छात्रों को कभी मुफ्त में शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम ऐसी हो, तुम्हें तो खेती और जानवर चराने ही पड़ेंगे, जिसकी सूचना लिखित रूप में बच्चों ने भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन को दी है, जहाँ पर भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन के प्रधानाध्यापक को सूचना देकर वहाँ पर नगर पहुँचते ही प्रधानाध्यापक मौके से चले गए। वहाँ पर खड़े अध्यापकों ने बच्चों से और भी संगठन के पदाधिकारियों से भी खुदी बातें की, जिसमें संगठन में और बच्चों में काफ़ी आक्रोश जाहिर हो गया। इसके बाद प्रधानाध्यापक बुलाए गए, जब यह भी बताते चले कि प्रधानाध्यापक साल में 2 बार आने का संकेत मिला है। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रधानाध्यापक ने बात की, बच्चों की समस्याओं का निराकरण करने का 4 दिन का समय मांगा है। संगठन के मुख्य पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव संजेश कुमार राव जी, प्रदेश प्रभारी श्यावन गौतम जी, जिला अध्यक्ष सरदार गौतम जी, नागेंद्र सिंघाल आदि पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष सरदार गौतम और प्रधानाचार्य के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। यहाँ पे दिव्यापुर में जो विद्यालय यहाँ पे आए हैं, ये क्या मामला है? यहाँ पे SC ST माइनॉरिटी के जो छात्र हैं, उनके साथ बहुत ही भेदभाव होता है। भेदभाव नंबर के लेकर होते हैं, ये अपने जो खास चुनिंदा लोग हैं उनको नंबर तो अच्छे देते हैं, लेकिन ये SC और OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, जो उनकी प्रेजेंटी 90 से 95% होने के बावजूद उनको नंबर बहुत कम दिए जाते हैं, ताकि ये भविष्य में ना तो कोई काम कर सकें। ये सिर्फ डिग्री लेके ये सिर्फ सजा सकते हैं दीवारों पे, कोई कुछ काम नहीं कर सकते। और तो ये आगे फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? किस जो नंबर इन लोगों को कम दिए जा रहे हैं, इन पर आप क्या न्याय मांगा है आपके संगठन से, आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें? बच्चों ने भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन से आस लगाई है, तो हम लोग संगठन के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, जितने भी समर्थक लोग हैं, ये सारे इकट्ठे होके यहाँ बात करेंगे। अगर यहाँ बात नहीं होती है तो DM साहब के यहाँ धरना धरेंगे हम लोग। धरना रखने के बाद उनको ज्ञापन देंगे, और जो टीचर इसमें सम्मिलित हैं उन टीचरों को हम सस्पेंड कराने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में किसी भी SC ST या OBC माइनॉरिटी, किसी भी साथ गरीब शोषित वंचित समाज के छात्र के साथ ये भेदभाव ना हो सके। यहाँ पर अभी भी जैसे कि बच्चों से आए हो, अभी बच्चों से आपकी बात हुई है? जी, बच्चों से हमारी बात हुई है। बच्चे बहुत ही दुखी भी हैं इस तरीके की जो विचारधारा टीचरों की, उनको लेकर बच्चे बहुत दुखी हैं, तो उनसे बात हुई है। का टीचर क्या व्यवहार करता है? यहाँ के टीचर है एक अनुज, कई बार ऐसी जातवादी बातें बोली जिन्हें बोलने में शर्म आती है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में बता देता हूँ, उन्होंने मार्क्स के तौर पर बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पूरा ज्ञान नहीं देता। ठीक, तुम लोग करोगे उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाओगे। गरीब बच्चों से कहते हैं कि तुम तो खेती ही करोगे, खेती ही लायक हो। आप पूछ सकते हैं, आप ऐसे खड़े हैं। इसकी जानकारी आपने प्रधानाचार्य जी को दी? जी, उनको दी। ये प्रधानाचार्य जी को तब देते हैं हम लोग जानकारी यदि प्रधानाचार्य जी यहाँ पे हमें मिला करते। प्रधानाचार्य जी साल में सिर्फ 2 बार आते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त। प्रधानाचार्य जी साल में 2 बार? केवल 2 बार आते हैं सर, कभी एग्जाम वगैरह हो गया, एग्जाम जैसे चल रहे होते तो 1-2 बार और आ गए, हद से हद 4 साल भर में 4 से 5 बार आते हुए यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ पर रहते भी नहीं है, ना ही वो आते हैं, तो उनसे शिकायत नहीं कर सकते।
नीचे टीचरों को और भाग कौन संभालता है जी? कार्यभाग की जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन कार्यभाग यहीं पे जो और टीचर हैं उनके और वर्ग हैं वो संभालते हैं यहाँ पे। उन्होंने क्लास में बोला कि तुम लोग केवल खेती बाड़ी करोगे, उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते हो। मैं ब्राह्मण में पूरा ज्ञान दूँ ज्ञान नहीं दूंगा तुम लोगों को, और फ्री में ज्ञान नहीं देता फ्री में, और मैं फ्री में ज्ञान नहीं देता हूँ जी। अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसका मतलब ये है कि आप फ्री में ज्ञान नहीं देंगे, इनका कहने का ये था। और क्लास में चार पाँच लड़के हैं तो उन्हीं का साथ देते यह क्या करते हैं कि यदि क्लास में कुछ भी समर ट्रेनिंग होती है हमारी, तो समर ट्रेनिंग क्लास में केवल चार बच्चों को लेटर पैड मिल जाता है 10 दिन पहले। आई कार्ड भी मिल जाता है, आई कार्ड भी मिल जाता है लोगों को, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं पूछा जाता यहाँ। आप देखिए, और अगर हम लोग किसी काम के लिए जाते हैं उनके पास जैसे बोला तो वो बोलते हैं घंटे बाद आना, फिर जाएंगे घंटे बाद तो कहेंगे 15 मिनट बाद आना, बैठ जा अभी तेरे पास टाइम नहीं है, तू कॉलेज नहीं आता है, क्या करेगा और क्या करेगा ये? हाँ, ये और बोलना कि तू पढ़ के क्या करेगा, तुझे करना ही है पढ़ के। तो आप उस टीचर के लिए क्या करना चाहते हैं? हमें बस एक मांग है, और नहीं उससे भी पहले उन्होंने सबसे पहले ये किया कि थर्ड सेमेस्टर जो सबसे मेन मुद्दा है, थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा तीसरा सत्र था उसमें उन्होंने SC OBC और माइनॉरिटी तीनों वर्ग के जितने छात्र छात्राएं थे उन सबके 70 से 80 सेशन नंबर बिना किसी वजह के काटे गए। जो फाइलों में मैं लिख रहा हूँ सब सेम फाइल है। किस बिहाफ में उन्होंने जनरल वाले को उस 50 में से 48 नंबर दे दिए, और किस बिहाफ में वही सेम लिखा हुआ मेरी फाइल में मुझे 50 में से 35 नंबर दिए गए, तो ये सेंस समझ नहीं आ रहा है इसका। अच्छा, अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हैं? शासन प्रशासन से हमारी सिर्फ यही मांग है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, इनको बिल्कुल यहाँ से सस्पेंड कर दिया, हमसे मतलब दूर कर दिया जाए यहाँ से। हमारी कुछ मांग नहीं है इनको यहाँ, और ये भी मांग इसलिए कि 28 तारीख से अभी आने वाले 28 तारीख से हमारे 4 सेमेस्टर चालू हो रहे हैं, प्रैक्टिकल चालू होने वाले हैं। 8 तारीख कोर्स भी नहीं हुआ है, पूरा कोर्स तक नहीं गया। हमारे कोर्स में 22 चैप्टर है, 22 में से उन्होंने केवल 2% बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। समझ नहीं आता। हम कहते हैं कि सर किसी शब्द को इंग्लिश में कठिन शब्द होता है, हम कहते हैं सर इसका हिंदी चेंज बता दीजिए, तो अरे पढ़ के आते हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हो, उनका ये कथन रहता है। तो ये बातों की वजह से बच्चों ने कॉलेज भी आना छोड़ दिया। ये जब रिजल्ट के बाद देखा गया कि हमारे भाई ये चीज़ नोटिस करी हम लोगों ने खुद कि भाई इनको जो बच्चे पढ़ने, हमारे छोटे वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ने, जब जो पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद उनमें से हूँ, जो बच्चा 210 में से 195 नंबर ला रहा है और अगले ही सत्र में पूरी उसी मेहनत के साथ वो 210 में से 230 में से 168 नंबर ला रहा है 168, तो किस सेंस में उन्होंने 168 नंबर। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के, तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।